मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंदकुंदाल्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनं जयतु सासनं आगे सर को सभी जगह बिल्कुल मत छोड़ो और हो सके तो लाइन में बैठो एक के पीछे एक अच्छे से बिल्कुल गैप मत छोड़ो। बीतराग विज्ञान शिक्षण प्रशिक्षण शिविर की पूर्व संध्या है। उस समय मुझे दो बातें खास कहनी है। सबसे पहले तो अपन सैद्धांतिक चर्चा करेंगे जिससे अपने को आनंद हो, और फिर प्रशिक्षण परंपराएं कैसे चालू हुई इसका थोड़ा सा इतिहास आपके सामने रखेंगे। कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं, क्यों आगे बढ़ाएं, ये चर्चा भी थोड़ी सी करूंगा। अभी सबसे पहले तो अनादिकाल से इस जी को अपना भरोसा नहीं है, बस। क्या बोला हमने, किसका भरोसा नहीं है? वर्ल्ड वाइड भी एक चर्चा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, नाम सुना है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दुनिया में कोई भी आदमी तब तक सफल नहीं होता जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो, और मोक्ष मार्ग में कोई भी व्यक्ति किंचित मात्र भी संबल निद्रा को प्राप्त नहीं होता यदि उसे आत्मविश्वास ना हो। मैं आत्मविश्वास की भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ सम्यक दर्शन के लिए। सम्यक दर्शन थोड़ा टेक्निकल शब्द हो जाने से हमें एकदम रटा हुआ सा लगता है। मैंने आज की तारीख में कहूँ तो जैसे हमारे बॉडी में कुछ पार्ट होते हैं जो डेड हो जाते हैं, डेड समझते हैं, जैसे पैर होते हैं ना पैर, तो चलते 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 इनकी कुछ स्किन नीचे का हिस्सा डेड हो जाती है। ऐसे ही जो टर्मोलॉजी हम बार बार इस्तेमाल करते हैं वो डेड हो जाती है। शब्द अपने आप में डेड नहीं है, हमारे लिए डेड हो गए वो,
डेड हो गए, समझ गए इसके अंदर, समझते हो ना, जैसे आप बहुत मेहनत करो तो यहाँ भट्टे पड़ जाती हैं, भट्टे समझते हैं आप, तो वो डेड स्किन हो गई, वो पैरों में डेड स्किन हो गई, हो जाती है। ऐसे ही आज की तारीख में मुझे बड़ा दुख लगता है, जिस शब्द को सुनते ही सम्यक दर्शन होना चाहिए वो शब्द हमें डेड हो गया। सही बताना, तुम भगवान हो बेटा, ऐसा उनके कोई रोमांच होता है, रजत होता है, सही बताना, रजत नाम है। हेलो, क्या हो गया, लाइट चली, आएगा आएगा। नाम है आत्मविश्वास। मैं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ, क्या बन सकता हूँ भगवान। तो इस शिविर का पूरा उद्देश्य है कि बच्चे बच्चे में केवल कुछ मत जानना, मुझे नहीं पता, एक आत्मविश्वास जागना चाहिए कि मैं परमात्मा बनने के लिए जन्मा हूँ और परमात्मा बनने में समर्थ हूँ। इतना विश्वास लेके जाना और इसकी तैयारी के लिए सुनना, पढ़ना, शिविर, क्लास, बच्चों से लेके बड़ों तक, और नहीं समझ में आए तो खाली मत जाना, पूरा पूछ के जाना। हमारी तरफ से तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल भर दें इस बात से कि साहब कुछ करना पड़ेगा तो ही तो भगवान बनेंगे, कि जी आत्मविश्वास नहीं है। आत्मविश्वास की परिभाषा ये नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, कि हम कुछ करेंगे तो भगवान बनेंगे, कुछ पढ़ेंगे तो भगवान बनेंगे, कुछ रटेंगे तो भगवान बनेंगे, समथिंग टू चेंज, समथिंग टू थिंक, ये आत्मविश्वास नहीं है, ये पर का विश्वास है। हमारे गुरुदेव श्री ने विचारों को पर कहा है। क्या बोला, क्या बोला मैंने, किस कौन से विचार को, तत्व विचार को, तत्व विचार, तत्व विचार नहीं करना पड़ेगा। क्यों, आत्मा से परमात्मा बनने के लिए तत्व विचार नहीं करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना में बोलो, सिर हिलाने का दो ही अर्थ हो सकती है। क्यों, आत्मा आत्मकल्याण करने के लिए, आत्मा से परमात्मा बनने के लिए तत्व विचार तो करना पड़ेगा ना, बोलो। तो फिर ये पर का विश्वास है। राजमल जी साहब ने टीका में लिखा है, पांडे जी ने, राजमल जी पांडे साहब ने कलश टीका में लिखा है, कोई जानेगा कि आत्मा का विचार ये संबल निर्जरा तत्व है, निर्जरा तत्व है, ऐसा तो नहीं है। तो फिर आत्मा का विचार भी नहीं करें, आप कंट्रोवर्सी लग रही ना, आत्मा का विचार तो करना पड़ेगा, और आप पढ़ाओगे क्या इतने दिन, तत्व विचार करने ही तो सिखाओगे। तो सुनना, आत्मविचार कहो या तत्व विचार कहो, इसका सेंटर पॉइंट है, कॉन्सेंट्रेट फोकस्ड पॉइंट है, और वो है कि मैं परमात्मा बनने में समर्थ हूं, इसका नाम तत्व विचार। तत्वों का विचार नहीं, क्या बोल रहा हूं, तत्वों का विचार नहीं, एक का विचार, हूं एक छू, हूं एक शुद्ध सदा। तो इसमें तत्व विचार हो गया, क्या हो गया। मैं बहुत सरल भाषा में समझाता हूँ, मुझे बहुत साल पहले, आज से 25-30 साल हो गए होंगे लगभग, मैंने पहली बार पंडित साहब के पास सुना था, सुमत सात तत्व का विचार कि एक का विचार। तो हमने तो कहा सात तत्व का विचार, जैसे आप कह रहे हैं ऐसे हमने भी कह दिया। उन्होंने कहा देखो, तो उन्होंने समझाया इसे, देखना जरा उंगली, नींद तो नहीं आ रही, ए हीरो। देखो, मैं जीव हूँ और मुझे छोड़कर सब अजीब है, मैं अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव को भूल गया, ये आश्रम बंद है, मैं अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव को समझ गया, जान लिया मैं ज्ञान दर्शन मई हूँ, इसका नाम संबंध निद्रा है, और ज्ञान ज्ञान में निश्चित रह गया, इसका नाम मोक्ष है। बताओ सात तत्व का विचार हुआ कि एक का, बोलो। प्रभु आश्रम में जाकर आश्रम का विचार मत कर, समय सारजी परमागम ने आश्रम का स्वरूप नहीं समझाया, समय सार जी में आश्रम का स्वरूप नहीं समझाया, आश्रम के भेद प्रभेद नहीं समझाए, कुछ नहीं समझाया आश्रम के बारे में। क्या समझाया पता है, पंडित साहब ने एक बार कहा, हम एक मिनट में पूरा समय सार जी समझा दे रहे, एक मिनट में, कितनी देर लगे, एक मिनट में समझ सकते हो, क्यों भाई समझा सकते हो, तो बहुत सरल है भैया, मैं ज्ञान दर्शन मई जी तत्व ध्रुव तत्व हूँ, ध्रुव तत्व हूँ, बस स्टार्ट हो गया जीव अजीव अधिकार। मैं ज्ञानमय ध्रुव हूं, मेरे सिवा सब, बस हो गया ध्रुव, बस खत्म। ये अवित्य की महिमा समझाने के लिए तुम जो अधिकार कहोगे,
आश्रव अधिकार में मैं निराश्रवी हूँ, बंद अधिकार में मैं अवन स्वरूप हूँ, संभर में संभरमयी हूँ, निर्जरा में निर्जरा स्वरूप हूँ, मोक्ष अधिकार में मैं मुक्त हूँ, पुण्य पाप अधिकार में पुण्य पाप से भिन्न हूँ। तो चर्चा कौन की चली पूरी में? बता भैया पूरी गाथा में कौन की चर्चा चली? हो गया पूरा ले। हम आश्रम का स्वरूप समझने नहीं आए हैं। क्या कह रहे? आश्रम तो हम भुगत रहे हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? आश्रम समझने नहीं आए, आश्रम तो हम भुगत रहे हैं। आहा, पहली बार में आश्रम के काल में, आश्रम के काल में आश्रम से अप्रभावी तत्व ध्रुव हूँ, ये समझने आए। सरल है कि कठिन है? जरा जल्दी बोलो तो सरल करूँ। सरल करूँ? नहीं अभी। अच्छा क्यों? तुम्हें व्याल गुस्सा आ जाए तो बुरा नहीं लगे? तो फिर ध्रुव कहाँ बचे अप्रभावी? तो अभी सरल मत बोलो, हम सरल कर दे रहे। देखो समझने सभी लोग बहुत सरल दृष्टांत देंगे, एकदम समझ में आ जाएगा। फिर से सुन लो, सबसे ज्यादा खतरनाक आश्रव है। संबंध जरा मोक्ष की तो प्रॉब्लम ही नहीं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम काहे की चल रही है? आश्रव बंद की। आश्रव बंद में सुबह शुभ भाव होते हैं, खोटे भाव भी होते हैं, वांटेड अनवांटेड थॉट्स होते हैं, ठीक है, मोह राग देश होता है, क्रोध मान माए लोग होते हैं, ये आश्रव बंद बराबर। अब हमने क्या बोला कि आश्रव बंद अधिकार के काल में मैं आश्रव बंद से अप्रभावी सुरक्षित परिपूर्ण ध्रुव हूँ। तो आश्रव अधिकार में आश्रय पढ़ना है, दुख के कारण पढ़ना है, या दुख के काल में भी, दुख के काल में भी मैं सुखमयी हूँ, सुख का कारण हूँ, ये पढ़ना है। तो ये शब्द हो गए बहुत जल्दी जल्दी, ज्यादा नहीं पकड़ोगे मत पकड़ो। अब मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, बहुत ही सरल दृष्टांत दे दूँ, पकड़ोगे? पकड़ना ठीक। एक बार बताओ, 1 किलो सोना मैं अग्नि में डालकर गर्मा गर्म तुम्हें दूं फ्री में, तो लोगे कि नहीं लोगे? गर्मा गर्म सोना जल्दी बोलो, लोगे कि नहीं लोगे? अरे हाँ या नहीं तो बोलो, हाथ खड़े करो, कौन कौन ले लेगा? 2 जने ले लेंगे। हैं? कछु में लो, हमने जे थोड़ी गई हाथ में ले लो। हमने तो ये कहा है गर्मा गर्म सोना तो मैं फ्री में दे, 1 किलो आग में से निकाल करके, तो लोगे कि नहीं लोगे? हाथ में लेने की थोड़ी कह रहे हैं हम, अब तो ले लोगे ना। अब मेरा प्रश्न है, गर्मा गर्म सोना क्यों ले लोगे? क्योंकि गर्मा गर्म के बीच में भी, जलते हुए के बीच में भी सोना 1 किलो सुरक्षित है। सोने के पूरे गुण सुरक्षित है, सोने की चमक सुरक्षित है, सोने का वजन और सोने की कीमत फुल वैल्यू सुरक्षित है। तो ये कहलाता है ध्रुव अप्रभावी है। मोह राग देश के काल में असंयुक्त का बोल है, 14 नंबर की गाथा में असंयुक्त का बोल है, अग्नि में जलता हुआ सोना, अग्नि में जलता हुआ सोना अग्नि से अप्रभावी है, जलन से अप्रभावी है, उष्णता से अप्रभावी है। ऐसे ही ये भगवान आत्मा जो ध्रुव अनादि अनंत है, ज्यों का त्यों है, एज इट इज है, मोह राग देश में खलबलाता हुआ, दुखी होता हुआ, अरे साथ में नरक के नार की जैसा मरता मारता हुआ, लड़ता लड़ाता हुआ, भयंकर पीड़ित होता हुआ, चीखता हुआ, ये सब ऊपर ऊपर के सोले दिखाई दे रहे हैं, और अंदर में भगवान आत्मा सिद्ध के समान सुरक्षित है, ऐसा जानना आश्रव बंद अधिकार का प्रयोजन है। आश्रव का एक प्रयोजन तय है। एक आश्रव पढ़ा नहीं तुमने? एक थोड़ा एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आगम और अध्यात्म। आगम की शैली और अध्यात्म की शैली में अंतर होता है। आगम में हम बोलते हैं आश्रव दुख कार घनेरे बोधि बंत ने निर्वेरे। पढ़ी छेड़ा ना? नहीं पढ़ी? इस मार्ग में नहीं पढ़ती? नहीं पढ़ती? अच्छा हम समझ गए तुम पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, पढ़ना है, 10वीं पास कर लो तो चले जाना। ठीक है चल वापस। तो ये एक शैली है, और एक शैली क्या है? संबरमय है आत्मा। लो जी क्या मतलब संबरमय है? तो मैं इधर जरा अपोजिट करके बोलता हूँ, संबर का मतलब समझते हो? आश्रव प्रूफ, प्रूफ समझते हो? प्रूफ, आश्रव प्रूफ। संबर का मतलब तो यही होगा ना, आश्रव प्रूफ। जैसे वाटर प्रूफ घड़ी हो तो पानी में चली जाए तो नो टेंशन, और फायर प्रूफ घड़ी अग्नि में चली जाए तो
नो टेंशन, ऐसे ही आश्रम प्रूफ आत्मा माने संवर में है आत्मा, आश्रम में चली जाए तो नो टेंशन, और नो टेंशन माने सम्यक दर्शन। आश्रम की चिंता नहीं होने का नाम है अनंतानुबंधी, आश्रम खत्म हो गया। जल्दी बोल गए, फिर से बोलू, मोह राग द्वेष से नहीं खलबलाता हुआ आश्रम बंद, उसकी चिंता नहीं होती ज्ञानियों को, ज्ञानियों को उसकी चिंता नहीं होती, इसका नाम है अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग चला गया, मैंने आश्रम चला गया। मैंने एक बहुत खतरनाक भाषा बोली बोलू सुनोगे सभी लोग, गलत बोलू तो हाँ ना कर देना, विवेक विवेक है ना, सुनना सभी लोग ध्यान सुनना। मैंने सभा में कहा मिथ्या दृष्टि में पाप भाव करने की और पाप प्रवृत्ति करने की शक्ति नहीं होती है, सम्यक दृष्टि में मिथ्या दृष्टि से भी असंख्यात गुने पाप भाव और पाप प्रवृत्ति करने की शक्ति होती है। ये बात सच्ची बोली कि झूठी बोली मैंने, हैं? हाँ बोलो बोलो जोर से बोलो, झूठी। और कौन कौन इनके साथ हैं, हाथ खड़ो, तुम भी सही हो, और बोलो। मैं फिर से बोलूँ क्या कह रहा हूँ मैं, मिथ्या दृष्टि से ज्यादा शक्ति पाप भाव की और पाप प्रवृत्ति करने की होती है सम्यक दृष्टि में। ये बात सही बोली कि झूठी बोली, जल्दी बोलो। हैं? अजी लपेटा लपेटी नहीं कर तो सब खलबला गए। सही बात है, जैसे आपको सन्नाटा हो गया ना, ऐसी सभा का सन्नाटा जबलपुर में हो गया, छिंदवाड़ा में भी हो गया। तो मैं अभी समझाता हूँ, सुनने जैसी बात है। मिथ्या दृष्टि एक शादी करने की हिम्मत रखता है, ज्यादा से ज्यादा 10-25 कर पाएगा लेकिन छायिक सम्यक दृष्टि 96,000 करने की दम रखता है। तो ऐसे थोड़ी होगा कि मॉडल जैसा होगा 96,000 के बगल में बिठा लो बैठ गाओ, उठ गाओ उठ गाओ, ऐसे थोड़ी होता होगा। 96,000 के नाम जानता है, 96,000 के मम्मी पापा के नाम जानता है, और 96,000 के 96 करोड़ उनके साले साली होते हैं, उनके नाम मालूम होते हैं उनको। क्यों आपको पता है कि नहीं मालूम कुछ? बहुत 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 लंबा चौड़ा परिवार होता है वो, और सबको जानते हैं, और जितने बच्चे पैदा होते हैं ना जितने भी सबके नाम जानते हैं। ऐसे नहीं तुम कौन के मोड़ा हो ऐसा थोड़ी करता है। चक्रवर्ती को सब पता होता है, ये लड़का है, ये किसका बच्चा है और इसकी जन्म तिथि क्या है, ऐसे नहीं बब्बू होता है वो तुम में दम है लड़ने की? अब तुम तो हमारे सामने भी नहीं लड़ पाओगे, छिपके लड़ लोगे थोड़ा, एक आध घंटा 15 मिनट, तुम में दम नहीं है। 60,000 वर्ष युद्ध करने जाता है छायिक सम्यक दृष्टि। क्यों? भगवान का समोसरण लगा हो तो तुम में से कोई की दम है छोड़ के चले जाओगे, नहीं जा पाओगे। और भरत चक्रवर्ती चले गए थे, भरत चक्रवर्ती तीसरे काल में पहले आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, और पहली दिव्य ध्वनि सुनी, आपकी भाषा में कहे तो अटेंडेंस लगवाई, अच्छे पिताजी वो हमारा चक्र रत्न है, वो मुझे जाना है, और चले गए चले गए। जरा सोचो तो सही, अभी तुम में से कोई शिविर छोड़ के जाए तो कैसा लगेगा? भैया शिविर में हम पहले ही दिन आए, अब इतनी ताकत किसमें होती होगी? उल्टा मत समझना, मैं तुम्हें कोई पाप प्रवृत्ति करने की प्रेरणा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें इसके स्वरूप को समझो। आश्रम के बीच में आश्रम की चिंता नहीं होने का नाम है अनंतानुबंधी, आश्रम नहीं हुआ। अब जो कठिन शैली है थोड़ी है विश्वास, सातवें नरक की कसायों के बीच में भी अप्रभावित रूप देख लेने का नाम है अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव, और द्रवलिंगी मुनि दशा धारण करने के बाद भी निर्दोष 28 मूल गुण पालने पर भी अप्रभावी आत्मा नहीं देख रहे हैं, तो नारकी से ज्यादा बंद हो रहा है आश्रम, बंद हो रहा है अनंतानुबंधी का आश्रम बंद हो रहा है। अब सोचो आत्मविश्वास की कीमत क्या है। क्रियाओं का भरोसा था, मैं नहीं बोल रहा हूँ पढ़ लेना कलश पे, नहीं मिले तो मेरे से ले लेना कलश टीका, बताऊंगा आपको समय सार की कलश टीका पुण्य पाप अधिकार में। हे यति तू क्रिया रूप यति पने का भरोसा छोड़ दे। क्या लिखा क्या लिखा? हे यति यति पने का, क्रिया रूप यति पने का भरोसा छोड़ दे। क्यों छोड़ दे, क्यों छोड़ दे? राजमल जी पांडे साहब लिखते हैं, क्योंकि वे दुष्ट हैं, अनिष्ट हैं, घातक हैं।
इतना कलेजा कौन का होगा जो लिख दे यतिपने रूप क्रिया का भरोसा। अरे तुझे यतिपने क्रिया का भरोसा है, उसका नाम आत्मविश्वास नहीं है। आत्मा सदा अकेला पूरा है, आत्मा बिना क्रिया कांड के पूरा है, आत्मा बिना विचारों के पूरा है, और बोलूं आत्मा बिना सम्यक्त के पूरा है, और आत्मा केवल ज्ञान और मोक्ष के बिना पूरा है, अनादि अनंत पूरा है। ये स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन है। और हर क्रिया वो पूरी हो जाती है जो अनादि अनंत ध्रुव स्वभाव को स्वीकार करती है, और अनादि अनंत ध्रुव स्वभाव को स्वीकार नहीं करती तो क्रिया शुरू ही नहीं हुई, वो देह जड़ की क्रिया है। बहुत जल्दी जल्दी बोल गए समझ नहीं आया ना बेटे देखो सगाई हो जाए ना, सगाई और फिर बर्फी का एक टुकड़ा भी खिलाती हो ना तो वो कुछ कहलाता है। हर कोई ये खिलाने लगो तो पढ़ेंगे समझ गए कि नहीं समझे? अरे साहब हम तो प्रेम कर रहे थे। प्रेम प्रेम नहीं, पहले सगाई करो सगाई के बाद तुम जो भी व्यवहार करते हो, शादी के बाद जो भी व्यवहार करते हो ना, वो आपके दाम्पत्य जीवन को मजबूत करता है। और सगाई शादी के पहले उनमें से कुछ भी करते हो ना तो आपके दाम्पत्य जीवन को खंडित करता है। ऐसे ही आत्मविश्वास हुए बिना, परमात्मा का विश्वास हुए बिना, अनादि अनंत ध्रुव अप्रभावी सुरक्षित सत्ता का विश्वास किए बिना, तेरी क्रिया तेरे ही क्षय को प्राप्त करा देती है। बहुत खराब शब्द बोल रहा हूँ, बहुत खराब, शायद बड़े लोग समझ गए होंगे क्या कह रहा हूँ मैं। नहीं समझ रहे क्या कहा मैंने? एक बड़ा खराब शब्द है बद्ध घातक। नहीं समझ में आएगा, मैं दृष्टांत ही समझाऊंगा, आप छोड़ो शब्दों को, दृष्टांतों में सुनना। बहुत कठिन बात कह रहा हूँ, पता नहीं क्यों आ रही है, मैं क्या करूँगा। कठिन कठिन मतलब थोड़ी सूक्ष्म बात है भैया, पहले दिन इतनी बड़ी हाई डोज देना नहीं चाहिए लेकिन आ रही है, मैं क्या करूँ। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से डोज कहने की इच्छा हो जाती है। सुनो सुनना, बहुत काम की बात। कोई जानेगा कि अपन जो करते ना मंद कसाय पूर्ण पाप पूजा पाठ व्रत उपवास नियम संयम, तो इससे सम्यक दर्शन सरल होता होगा? ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि अज्ञान दशा में या तो ज्ञान पुष्ट होता है या मान पुष्ट होता है। क्या फॉर्मूला बोला मैंने? अज्ञान दशा में या तो ज्ञान पुष्ट होता है या मान पुष्ट होता है, और ज्ञान और मान एक दूसरे के शत्रु हैं। अब इसको कह रहे हैं बद्ध घातक। और जो मान बढ़ता जाता है ना उसमें आत्मा गायब होता जाता है। हूँ मोटो पंडित छूँ, बड़ो ब्रह्मचारी, आजकल मेरे जैसे ब्रह्मचारी कोई नहीं है, और मैं सातवीं प्रतिमा धारी जी है क्या? प्रभु हम कह रहे हैं सिद्ध दशा की कीमत नहीं है और तू प्रतिमा धारी की कीमत कर रहा है। थोड़ी देर पहले क्या बोला था मैंने, याद है कुछ? मैं केवल ज्ञान से पूरा नहीं होता, मैं केवल ज्ञान से महान नहीं होता, मैं केवल ज्ञान से पूरा नहीं होता, और मैं सम्यक के अभाव में भी अधूरा नहीं हुआ। ऐसा अनादि अनंत। अब मैं फिर से दृष्टांत दे रहा हूँ, 1 किलो उबलता हुआ सोना, जलता हुआ सोना लोगे कि नहीं लोगे? लोगे। अच्छा क्यों? 1 किलो सोना मैं तुम्हें बेच रहा हूँ, मान लो बेच रहा हूँ, तो 1 किलो सोना फ्री में दूंगा उबलता हुआ लोगे तो, और 1 किलो सोना उसके सुंदर सुंदर गहने, बहुत सुंदर सुंदर गहने, 1 किलो सोने के बढ़िया 10 तोले का हार, 10 तोले के कंगन, 10 तोले का मुकुट, बड़ा सुंदर एकदम 1 किलो का, लेकिन वो मैं तुम्हें पैसे में दूंगा, और वो भी 50% डिस्काउंट पे, 50% डिस्काउंट पे वर्ल्ड के बिल्कुल चमकते हुए बढ़िया गहने दूंगा, चमना चमाते हुए, मॉडर्न कट, पुराना कट नहीं, बिल्कुल मॉडर्न डिजाइन, एट द 50% डिस्काउंट दूंगा। और वो 1 किलो खलबलाता हुआ सोना, जो गहने नहीं बने अभी, गहने नहीं बने, हार नहीं बना, मुकुट नहीं बना, कुछ नहीं बना, वो मैं तुम्हें फ्री में दूंगा, कौन सा लोगे बोलो? अरे वो पहनने लायक नहीं है। अरे तो पहनने लायक नहीं भले, अरे समझ में आ गया कि नहीं आया? प्रभु चमचमाते हुए केवल ज्ञान की पर्याय किसी काम की नहीं है, और जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित खलबलाता क्रोध मान माए लोभ है ना, उस समय भी तेरा भगवान सुरक्षित है। इस विश्वास का नाम आत्मविश्वास है, और इसी को हम सम्यक दर्शन कहते हैं। इस सम्यक दर्शन के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप इस शिविर में आना, सम्यक दर्शन करने मत आना। सम्यक दर्शन करना माने कि इमेज,
एक इमेज, इतनी गाइड मिल जाएंगे इन्हीं में से, बैठना चाहिए, सामायिक करना चाहिए, थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए। अब किसी ने कहा ध्यान नहीं लगता, तो आती जाती सांसों को देखो। साक्षी भाव, साक्षी भाव, ज्ञाता भाव बढ़ता जाता है, राग घटता जाता है, विकल्प घटता जाता है, फिर उपयोग गुड़प थी जाए छे। तूने सब खराब कर दिया, सब बेकार कर दिया, सत्यानाश मार दिया तूने। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर मैं कह रहा हूँ, आत्मा अनादि अनंत पूरा है, सहज पूरा है, बिना करे पूरा है, 14 गुणस्थान उनके उसके बल पे पूरे होते हैं, उसके बल पर पूरे होते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, तुम्हारे व्रत पूजा पाठ नियम सही है, मैं ना आपको और कॉन्फिडेंट बना देते हैं, मान का साया चढ़ा देते हैं, और बाद में कोई सुनता भी नहीं है, मान ही व्यक्ति सुनता थोड़ी है। अच्छा, इनके प्रवचन है, इनके जी, जी बच्चे के, शास्त्री के जी, ऐसे तो हमारे बहुत निकल गए। एक दृष्टांत देते थे बाबू भाई जी, सुना होगा सामने, मैं रिपीट नहीं करता, लंबा छोड़ा है दृष्टांत, सुनाऊं क्या नहीं सुनाऊं? सुना, शॉर्ट में सुनाता हूँ। एक ऊंट था, ऊंट और युद्ध के मैदान में जीत गया, राजा उस पर बैठा था, वो बचा के ले आया राजा को, और राजा बच गया, तो राजा बड़ा खुश हुआ ऊंट की चतुराई पे कि मुझे घायल अवस्था में बचा के ले आया। तो उन्होंने डिक्लेयर करा दिया कि मेरा ये प्रिय ऊंट है और इसे कोई मारेगा नहीं, डंडा नहीं मारेगा। ठीक है भैया, अब नहीं मारेगा। अब वो खेतों में घुस गया, खेतों में घुस गया और ककड़ी खा रहा, जो फल फ्रूट लगे हुए जो भी खेत थे तो खा रहा वो। अब मार तो सकते नहीं थे, और ऐसे ऐसे तो सुन नहीं रहो। तो अब क्या करें, तो बेचारे एक थाली लिया है, एक वो चम्मच लिया है, उसके कान में बजा रहा भटभट भट। तो ऊंट बोला, गधे, जब मैं युद्ध के भेरियों से और युद्ध के बम विस्फोट और तोप के गोलों से नहीं डरा, तेरी जो ढूंढूगी से क्या सुनो। ये बाबू भाई जी दृष्टान देते थे, अरे हम तो बेसुबट हैं जो समोह शरण में नहीं सुलटे, तुम्हारी सुन के कहा सुलटेंगे। ऐसा नहीं करना, इसलिए मैं सम्यक दर्शन करने आओ ये नहीं कह रहा हूं, आत्मा परिपूर्ण है इसका विश्वास करके आत्मविश्वास करने आओ, इतना ही मेरा है कहना, इसलिए तो आओ। अब थोड़ा बहुत इतिहास की बात कर लूं, थोड़ा सा मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया इतिहास याद है इस शिविर का। विदिशा में पहला शिविर लगा था जिंदगी का, पहला शिविर, उस शिविर में पैसे खर्च हुए थे 215 रुपए, 215 रुपए का बिल था उस समय का। क्यों? जितने लोग आते थे घर घर में भोजन होते थे, सबका भोजन बनाया नहीं जाता था, विद्वान घरों में चले गए थे, और जितने लोग आए घर घर में भोजन हो गए, निपट गया काम। एक टॉकी था थिएटर, और नया नया थिएटर बना था टॉकी, उसमें लगाया था, बहुत बढ़िया व्यवस्था, पहली बार लोगों ने देखी, जैन कॉलेज में लगा था। खैर वो इतिहास तो ज़्यादा नहीं सुनाना, मुझे उसके आगे सुनाना है। बढ़ते 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 ये कुछ ऐसे बढ़िया ऐतिहासिक शिविर हुए हैं जिनकी बात मैं कहूँगा, और वो ऐतिहासिक शिविर उनमें से एक बहुत प्यारा शिविर हुआ 1974 का कोटा का। उस शिविर के कुछ नए नए आयाम थे, उसके ठीक पहले कोटा की जैन समाज में हताशा का वातावरण था, क्योंकि एक पंचकल्याणक किया था उसमें घाटा हो गया था। आप कल्पना करो पंचकल्याणक में घाटा हो जाए और उसके बाद कोई शिविर लगाए। समाज की मीटिंग बुलाई गई, बाबूजी ने मीटिंग बुलाई समाज में कि भाई अपने को शिविर लगाना है, तो आप बताओ कैसे क्या करें। तो वहाँ के जो अध्यक्ष थे समाज के और उसके भी अध्यक्ष थे पंचकल्याणक के, उन्होंने अपने अनुभव सुनाए, इतनी भयंकर गर्मी, हमने तो 8 दिन का पंचकल्याणक करा उसमें घाटा हो गया, व्यवस्था में हैरान हो गए, और तुम कह रहे 20 दिन का शिविर, 20 दिन का शिविर, और वो शिविर बाबूजी लगवा रहे हो तो फिर तो बात ही थोड़ी अलग। आपको बताऊंगा कैसा शिविर था। उन्होंने कहा भैया मुश्किल है, हमारी मानो तो ये शिविर मत लगा। उनने अपने अनुभव में वो मीटिंग फेल करी, आधा पौन घंटा में वो मीटिंग फेल हो गई, तो
तो बाबूजी बोले तुम तो ये मत बताओ कि कठिन है, तुम तो ये बताओ कि व्यवस्था कैसे बनेगी। बाबूजी का एक प्रस्ताव आया कि तुम तो ये बताओ व्यवस्था कैसे बनेगी, ये बताओ हमें, ये मत बताओ घाटा होगा कि क्या होगा। तो उन्होंने कहा देखो भैया पहले तो पैसा की बात करो, पैसा कौन कितो कितो देगो। उन्होंने कहा पैसे की बिल्कुल बात मत करो। बाबूजी बोले पैसे की बात मत करो, आप ये बताओ टोटल फाइनेंस कितना लगेगा। तो उन्होंने कहा उस जमाने में 1974 में 70,000 रुपये। तो बाबूजी बोले ठीक है 70,000 की व्यवस्था हो जाएगी, अब व्यवस्था बनाओ, अब जो जो व्यवस्था है वो करो। कर दिया। अगले दिन बाबूजी अपने घर का पूरा सोना गिरवी रख के 70,000 रुपये ला के रख दिए। जी इतिहास की मैं समझता हूँ पहली ऐसी घटना इन शिविरों की, 18 और 20 दिन पहले 20 दिन का था, अब 18 हो गया। मैंने एक विद्वान ने अपने बल पर, मेरे पूज्य गुरुदेव श्री पधारेंगे भले ही 5 दिन पधारेंगे, 20 दिन नहीं रहेंगे, लेकिन मैं अपने जीते जी उन्हें अपनी भूमि पर लाना चाहता हूँ। मैं निमंत्रण देने जाऊँगा वो आएंगे, मुझे उन्हें लाना है बस। 70,000 खुद ने अपना सोना रख करके दे दिए। अब दूसरी घटना सुना उस शिविर की जो सबसे बढ़िया, ऐसा शिविर पता नहीं फिर उसके बाद कभी हुआ कि नहीं हुआ। आप कल्पना कर सकते हो हर 8-10 व्यक्तियों पर या जितने व्यक्तियों पर भी एक एक नाई, मालिश करने वाला, कटिंग करने वाला, कपड़े को प्रेस करने वाला, ये ऐसी व्यवस्था लगाई थी जैसे बरातियों का स्वागत हो रहा हो। ये वहाँ दूसरी विशेषता। अभी तीसरी विशेषता सुनोगे इतिहास की, कम से इतिहास तो सुनी लो। मैंने कितने अच्छे सुंदर सुंदर मोड़ पे से गुजर के आया ये शिविर जो आज आपको दिख रहा है ना, ये बहुत फला फूला दिख रहा है। यदि इसकी एक एक बात सुनोगे तो बहुत सिंचन कैसे हुआ आपको। डॉक्टर साहब अपने हाथों के नोट से लिख करके, फोटो स्टेट भी नहीं होते थे उस जमाने में, हाथों के नोट से लिख लिख करके पढ़ाया उन्होंने शुरू में, कागज पर लिख लिख करके। खैर तीसरी एक बहुत बढ़िया विशेषता उस शिविर की ये थी कि सारे देश के सेठ लोग आए और उन्होंने दान देने की कोशिश की, लेकिन बाबूजी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, आप सब लोग मेरे अतिथि हैं और हम अतिथियों से धन नहीं लेते, आप हमारे मेहमान हैं, आप भावी सिद्धों का परिवार हैं, आप भावी सिद्ध हैं, हमारे आंगने में पधारे हो ये ही हमारा सौभाग्य है, हम अपने अतिथियों से पैसा कैसे ले सकते हैं। पैसा नहीं लिया शिविर में। तो हाड़ौती कहलाती है, हाड़ौती कोटा के आसपास का इलाका हाड़ौती कहलाता है। तो वहाँ के लोग रोने लगे, आकर के रोने लगे वहाँ, बाबूजी आप तो इतने बड़े शहर में हो और इतने आप समर्थ हो तो आपने बुला लिया, ये पूरे देश के लोग हमारे घर आंगन में झालरा पाटन में कैसे आएंगे, पेड़ावा में कैसे आएंगे, फला में कैसे आएंगे, ये पूरे राजस्थान में कैसे आएंगे, हमें तो ये सौभाग्य कभी मिलेगा ही नहीं। रोने लगे, आपको हमारा पैसा एक दिन का आहार दान तो ले लो, हम सबको अपना भोजन कराना चाहते। तब गुरुदेव मानी बाबूजी ने केवल हाड़ौती के लोगों का भोजन आदि का जो पैसा था, आहार कराना था सबको, भोजन कराना, उसका स्वीकार किया, इसके सिवा किसी का पैसा स्वीकार नहीं किया। ये बात जब मैंने सुनी थी और फिर मैंने अपने जीवन का पहला शिविर भीलवाड़ा में देखा था, बस वो कर्जा मेरे ऊपर था समझ लीजिए, मेरी पहली मुलाकात उसमें हुई थी, तो जितना मुझे अच्छा लगा था वो बचपन में, उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तब फिर वो ही बात मैंने कहना शुरू की। तो दो शिविर की बात, देवलाली में दिल्ली वाले पहुंचे शिविर लेने के लिए, झंडा लेने के लिए, तो मेरे मुंह से निकल गया कि भाई दिल्ली राजधानी है देश की और बहुत सारा खर्च होगा इसमें, 1 करोड़ रुपया। तो पहली बार किसी ने सुना था 1 करोड़। तो डॉक्टर साहब बाजू में बराजे थे, बोले सुमत 1 करोड़ मत बोलो, हमारे शिविर नहीं लगाएगा कोई, इतना बड़ा खर्चा सुन के कौन लगाएगा, क्योंकि उस समय तक के शिविर 30-40 लाख तक, 25-30 लाख में खत्म हो जाते थे पूरे, और 2-3 लाख बच गए मैंने बहुत बड़ी बात, 30-40 हज़ार बच गए मैंने बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। मेरी बाबू दादा आप चिंता नहीं करो ये सब होगा, और वो शिविर लगभग 2-2.5 करोड़ का हुआ, और इसके बावजूद भी 80 लाख बचे वहाँ। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ समझ में आया कुछ, पैसा नहीं, शिविर लगते हैं, लोगों की भावना जगती है, लोग जुड़ते हैं, और इसके बाद का कोई शिविर करोड़ से कम में नहीं गया।
और लग रहा है को एक बात पूछूं मैं आपको, परिणाम पवित्र करने हैं या पैसा जोड़ना है ये बता दे। और दूसरी बात बोलूं भैया, दिल्ली में जिन्होंने जितना पैसा दिया हुआ ना 11 लाख 5 लाख, जरा उनके बैंक बैलेंस जाके देखे आप, मरते समय में 10-5 करोड़ ज्यादा छोड़ के जाएंगे। मेरठ वालों से पूछो, मेरठ वालों से, मेरठ वालों का एक बहुत सुंदर इतिहास मुझे अच्छा लगा। उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि हम दान की घोषणा ही नहीं करेंगे, देना हो दो, नहीं देना हो मत दो, लेकिन घोषणा नहीं करेंगे। तो मुझे बड़ी चिंता हुई शिविर का खर्चा कैसे निकलेगा इतना। तो एक आध बार मैंने इनडायरेक्टली हिंट कर दिया भरी सभा में, इनडायरेक्टली, तो मुझे डांट पड़ी। पहला मुक्षुमंडल है डांटने वाला मुझे कि आपको क्या जरूरत पड़ी आप पैसे के लिए बोल रहे हो, तुम्हें घाटा हो गया तो बोले क्या फर्क पड़ रहा है, जैसे 11-11 लाख दिए ऐसे 12-12 लाख दे देंगे, 1-1 लाख और दे देंगे। मैंने इन शिविरों ने मुझे बूस्टअप किया, ये समझ लीजिए। आज मुझे बहुत खुशी है कि आप सब, ग्वालियर वालों के लिए बधाई दे रहा हूँ, मेरी 8-10 साल की लगातार प्रेरणा तो थी ही, लेकिन आपने स्वीकार किया ये बहुत अच्छा है, और सब लोग पधार गए ये बहुत अच्छा है। अब हाँ दिलदार तो हो ही, दमदार भी हो। अब मुझे एक बात और कहनी है, समय हो रहा है अपना, अब एक और सुनाओ, एक बात और सुनो, मुझे 2-4 बात कहनी है। पता नहीं आज सुबह मैंने कहा था कि सोडा के कुआं में कितने लोग परिवार जुड़े मंदिर से, बोले 50। तो मैंने 50 का मतलब 5,000 होता है, और बोले सर 250 मेंबर को ले, 5,000 कैसे होता है, गणित तुम्हारा अलग है मेरा अलग है, तुम कह रहे 250, मैं कह रहा हूँ 5,000। तो अभी भी मैं जितने लोग आए हूँ अभी, जिन्होंने सुबह नहीं सुना हो, लोकल के लोग, देखो भैया जब लड्डू खाते हैं ना तो सबको बुला के खाते हैं, और नहीं खाते हैं तो कौआ से भी गए बीते हैं। कौआ को जली हुई खिचड़ी मिलती है और काँव काँव करके सबको बुला लेता है। हमारे यहाँ सिविल लगे और एक भी रिश्तेदार को आप फोन ना करो तो अपन कौए से भी खराब है। चाहे SMS करो, चाहे चिट्ठी लिखो, चाहे तुम्हें जो बने से फोन करो, जो तुम्हें करना है करो। एक बात कहनी है सबको अपने को कि देखो भैया आप हमारे मरे में मत आओ चलेगा, सगाई शादी में मत आना चलेगा, जब वो दुकान का उद्घाटन हो तो मत आना, हम कभी बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन यदि हमारे आत्मा से परमात्मा बनने के कार्यक्रम में नहीं आओगे, तत्व ज्ञान के कार्यक्रम में नहीं आओगे, जैन संस्कृति रक्षा और फैलाने प्रचार प्रसार के काम में नहीं आओगे, तो हम आपका बुरा जरूर मानेंगे। मानेंगे, सीधी सी बात है, मत आना, उसमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इसमें तो जरूर आना। एक बात तो ये जरूर कहनी है भैया सबको, हालांकि मैं लेट हो गया, नहीं तो बहुत 15 दिन पहले से कहलवा था ये बात, लेकिन अब कहो आपको जितने, मैं एक बात बोलूं, मेरे पास ब्रह्मचारी भैया आते हैं ना नए नए, तो उनके पास दूर दूर से फोन आते हैं, पिताजी के चाचा के मामा के फूफा, इतने लंबे लंबे फोन आते हैं, देखो बेटा सुमत की बातों में मत आओ, भावुक मत बनो बेटा, हम जानते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, ब्याह करा लो। तो ये सच्ची घटना है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत पक्की घटना है। तो अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, उसका उत्तर ये है कि तुम्हें भी पता होगा तुम्हारे रिश्तेदारों में कौन कौन जैन बच्चा है जो पुड़िया खाता है, क्या पीता है, उसके आगे खालिस्तान तुम भर लेना पीता है, खाता के पहले भी तुम भर लेना जो जो खाते हो। यदि उनके जीवन में जैन संस्कृति ना हो, तत्व ज्ञान का आदर ना हो, देव सहस गुरु का आदर ना हो, उन्हें जैन धर्म की संस्कृति का इतिहास और पता ना हो, ये गरिमा पता ना हो, तो आप उनको जरूर फोन लगाओ, बेटा एक बार हमारे कहने से इधर आ जाओ, बेटा एक बार हमारे कहने से इधर आ जाओ, बस तुम कुछ मत छोड़ना, उसे ये मत कहना कि दारू छोड़, मत कहना कि पुड़िया छोड़, मत कहना कि तू और गलत हरकतें छोड़। मैं सच कह रहा हूँ, आप अपनी उन बच्चियों को बुला लो जो अंतरजातीय प्रेम कर रही हों, इधर उधर चक्कर में पड़ रही हों, उन्हें जैन समाज की कीमत नहीं, माता पिता की कीमत नहीं, देव सास गुरु की कीमत नहीं, आप एनी हाउ उन्हें बुला लो, बिल्कुल किसी तरह से बुला लो। मेरा पक्का विश्वास है कि अमृत जिनके कान में जाएगा उनका जीवन परिवर्तित होगा, होगा और होगा। अमृत बरसारे पंचम, अरे अंजन चोर बदल सकता है तो वो बच्चा दारू ही तो पीता है, साथ तो नहीं है।
आत्मार्थी ट्रस्ट के पंच कल्याण में मैंने कहा एक दारू पीने वाला प्रवचन सुनने आता है हमारे, तो हल बातें होने लगी, ओ मुमुक्षु दारू सोई पिया थे। तो मैंने शाम की सभा में बोला था वहाँ पंच कल्याणक में, अरे लोग कहते हैं कि दारू पीने वो क्या नाम मुमुक्षु लोग दारू पीते हैं, मैं कहता हूँ गर्व से कि अब दारू पीने वाले भी मुमुक्षु बन रहे। नहीं समझ में आया मैंने क्या कहा? तो एक उल्टा क्यों सोचते हो, आने दो। ध्यान रखना किसी को ऐसे मत देखना जो ऐसा है जो बीड़ी पिया था जो दारू पिया, अरे आने दो। ऐसे लोगों को प्रेम से आगे बोला, मैं सही बताऊं उसके लिए जिनवाणी जिंदा है, यदि वो सुनेगा ना हूँ परमात्मा छू उसे के लिए जिंदा है। आप तो रोज सुनते 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 आपके लिए शब्द डेड हो गए, एक बार उसे सुनने दो भगवान हूँ। ठीक, अब एक घटना और सुना रहा हूँ, इसके बाद बात पूरी होगी तो नहीं, मेरी बातें तो ढेर हैं, सुनाता रहूँगा थोड़ी थोड़ी, नहीं आज के माहौल में थोड़ी सी बात और सुना रहा हूँ आपको। यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चे धर्म में जुड़ें, तो एक बहुत सुंदर प्रयोग खेरागढ़ में हुआ। खेरागढ़ की स्टोरी सुना दूँ आपको, सुनने जैसी स्टोरी है खेरागढ़ की। एक 80-90 साल की वृद्ध महिला स्थानक वासी संप्रदाय की, नहीं मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजक श्वेतांबर, उस महिला को टीबी हो गई, टीबी फेफड़ों की, और वो G3 हॉस्पिटल गई जो सोनगढ़ के पास में ही है। G3 हॉस्पिटल लगभग मेरे ख्याल से आधा घंटे का रास्ता होगा सोनगढ़ से, तो वहाँ वो भर्ती हो गई। वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल आज भी है, तब भी था, तो वहाँ भर्ती हो गई। गुरुदेव को पता लगा कोई श्वेतांबर बहन यहाँ पर आई है मध्य प्रदेश से, उस समय मध्य प्रदेश कहलाता था, छत्तीसगढ़ नहीं कहलाता था, खेरागढ़ मध्य प्रदेश। तो पूज्य गुरुदेव श्री हर संडे उसको मिलने जाते थे, और श्वेतांबरों में सबसे ज़्यादा कीमत मांगलिक की होती है, तो गुरुदेव मांगलिक सुना के आते थे। उस बहन को अंगूठा छाप थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, अंगूठा छाप समझते हैं, पढ़ी लिखी नहीं थी। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने उसको जब संबोधन करते थे, अच्छा तो कहते इतनी अच्छी अच्छी बातें हम पढ़ नहीं सकते, तो पढ़ सकते हो, तुमको आत्मधर्म दिया। अब वो तो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, गुजराती हिंदी भी नहीं आती थी, और साल भर वहाँ रही, तो उसने एक स्लेट मंगाई और एक बत्ती मंगाई पेम, और उसने एक एक अक्षर लिखना पढ़ना सीखा, और साल भर में गुजराती पढ़ना सीख गई, आत्मधर्म पढ़ना सीख गई, और संयोग से भाव कर्म बदले, द्रव कर्म बदले, और उसका नौ कर्म भी बदला, और उसकी टीवी सही हो गई इतनी बड़ी उम्र में। तो उसने प्रतिज्ञा कर ली कि अब मेरा जीवन तो सोनगढ़ के लिए है, कहीं नहीं जाना। तो घर वाले आ गए खेरागढ़ के कि अब घर चलो, तो उन्होंने कहा देखो बेटा हम घर तो तब आएंगे जब शिखरबंद मंदिर बनाओ। अब खेरागढ़ में कोई नहीं, अकेली जो महिला और जे भी जाने वाली समझ गए, ओल्ड एज, और बच्चों पे शर्त लगा दी कि तुम जे बनाओ। तो उन्होंने साहब शिखरबंद मंदिर बनाया, कोई छोटा मोटा नहीं, बढ़िया मंदिर बनाया। हाँ हाँ बस तुम समझो, अभी लोग बोल लेते हो, आप समझो पूरी बात। इसके बाद उन्होंने दूसरी शर्त लगा दी, वो दूसरी शर्त सुनाने के लिए मुझे इतनी बड़ी कहानी सुनानी पड़ी। उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं तो सोनगढ़ में रहूँगी, एक मेरा बंगला बना दो वहाँ पे, उन्होंने बना लिया, रहती हैं, और उनकी दो बेटियाँ आज ब्रह्मचारिणी हो गई, एक नाती पोता जो भी नाती पोता बेटे का बेटा वो अभय कुमार शास्त्री बने, उनके बच्चा भी संयम शास्त्री बन रहा है, पढ़ रहा है। इसके पहले उन्होंने जो शर्त लगाई वो सुनो, एक शर्त है ध्यान से सुनना, एक भी दिगंबर ने उनको बेटी नहीं दी, उनको वही उन्हीं संप्रदाय में से बेटी लेना पड़ रही शादी करने के लिए, लेकिन एक शर्त लगा रखी है कि हम एक शर्त पर शादी करेंगे कि सबसे पहले शादी होने के बाद एक महीना सोनगढ़ रहना पड़ेगा, इसके बाद हनीमून मनाने जाओ, कुल्लू मनाली जाओ, उल्लू बनो, कछू करो। पहले एक महीना तो वहाँ जाओ। ये शर्त बड़ी काम की है, जिस सुनने लायक है। बस इस एक शर्त की वजह से उनका पूरा परिवार, वो बहू बेटे वहाँ जाते हैं, और रोजाना सुबह शाम हुई पूजन में शामिल होते हैं, गुरुदेव की सीढ़ी में शामिल होते हैं, प्रवचन सुनते हैं, और ब्रह्मचारिणी बहनें रहती हैं, सब सबका माहौल देखते 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 वो श्वेतांबर से दिगंबर हो जाती है एक महीने में, और वापस आके कट्टर। आज उनके परिवार में 100% बहुत बड़ा परिवार हो गया है अब तो,
ये एक भी मेंबर दिगंबर श्वेतंबर नहीं बचा, सब दिगंबर हो गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि काहे की सुना रहा हूँ, एक बुजुर्ग महिला की दूरदृष्टि, और उनके परिवार में आने वाली आज की नई बहुएं भी दिगंबर हो जाएं, सब मोक्ष हो जाएं, सब प्रवचन करें सुने। जरा आप बताना अपने अपने घरों में झांक करके कितने लोगों को जोड़ पाते हैं अपन मोक्ष मंडल से, कितने लोगों को हम शास्त्री बना पाते हैं, बोलो। अब मुझे आपसे कहना है, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप भी अपने घर में शर्त लगाओ, बेटा पिकनिक करने बाद में जाना, शादी में बाद में चली जाना, 5,000 की साड़ी बाद में ले लेना, पहले में पहले तो 18 दिन का शिविर अटेंड करो। शिविर अटेंड कर लो, फिर तुम्हें कहीं जाना है जाओ, घूमो फिरो, और 10,000 हमसे ले जाओ, खर्चा करो, खाओ पियो। अपने बच्चे को आप मोटरसाइकिल दिलवा रहे हो तो मत दिलवाओ, पहले पहले 18 दिन का शिविर अटेंड करो, फिर मोटरसाइकिल ले, फिर दिलवाएंगे हम तुम्हें मोबाइल, जो कहे तुम्हें चाहिए बाद में, तुम्हारी जो सुविधा चाहिए बाद में पहले बोलो क्या करना है। आप तो मेरी बात समझ गए होगे, इतनी बड़ी स्टोरी सुना दी मैंने आपको। अब अंतिम बात मैं अपने घर की सुना देता हूँ, बस। नींद तो नहीं आ रही है आपको? आ रही हो तो छोड़ दूँ, बोलो। मेरे घर की बहुत प्यारी घटना है, मेरी माँ की शादी 14 साल में हो गई थी, और उस जमाने की बहुएँ इतो घूंघट करती, ठीक। तो भोप इंदौर में, मेरी मम्मी का ससुराल इंदौर था, तो इंदौर में जब भी बाबू भाई जी पधारते थे गर्मियों की छुट्टी में शिविर लगता था, तो मेरी दादी की चिट्ठी विदिशा आती थी कि बहू को भेज दो, तो पिताजी मना नहीं करते थे, आज्ञाकारी पुत्र थे, तो बहू को भेज देते, मैंने मेरी मम्मी को भेज देते थे। मैं गोद में था, 15-16 साल की उम्र थी मम्मी की, मैं गोद में था, मम्मी घूंघट में रहती थी, इंदौर की बात है। तो शाम को 6:30 बजे पाठशाला लगती थी, कक्षाएं लगती थी शिविरों की, शिविरों की कक्षा लगी जैसे अभी लगेगी ऐसे, तो हमारी दादी उनको कहती थी बेटा ये तुम कक्षा में चली जाओ, तीनों टाइम कक्षाओं में भेजती, तुम कक्षाओं में चली जाओ। तो हमारी मम्मी 14-15-16 साल की उम्र, समझ में तो कुछ आता नहीं था, तो उन्होंने हमारी दादी को बहाने मारी कि सुनो आपको समझ में आता है आप सुन लो, हमें समझ में भी नहीं आता, नंबर एक, और फिर नींद आती है नंबर दो, और फिर पप्पू छोटा इसकी लेटरिन बाथरूम आप फेंकते हो तो अच्छा नहीं लगता है, हम फेंकेंगे बर्तन हम मांज लेंगे शाम को जूठे, आप मांजते हो तो अच्छा नहीं लगता, सासू बर्तन मांजे तो आप तीन बातें मारी आप जाके सुनो, समझ गए। तो मेरी दादी ने इतनी प्यारी बात कही जो मुझे आपसे सुनानी है, मेरी दादी ने मेरी माँ से कहा बेटा पप्पू की लेटरिन हम फेंक देंगे और झूठे बर्तन हम मांज देंगे, तुम तो वहाँ जाओ और नींद आए तो भी जाओ, सो जाना तुम वहाँ जाके कक्षा में, तुम्हारी नींद खुलेगी तो वहीं खुलेगी और खुलने का कोई रास्ता नहीं। मुझे नहीं पता मेरी माँ कितनी सोई होगी, घूंघट में बैठती थी उस जमाने में, बैठ जाती थी जाके। मेरी दादी ने मेरी सेवा की उतनी छोटी उम्र में, बर्तन मांजे करके सारा काम किया, लेकिन मेरी माँ की आँख सही में वहाँ खुली। इसके बाद हम 5 भाई बहन, आज हम सबके संस्कार बढ़िया, आज हम इस मार्ग में निकले, उस दादी की वो संस्कार जो ऐसा कह के मैंने कुछ कहा है, समझ में आ गया आपको कुछ कि नहीं समझ में आया कि सासू रहियो घर है, जो पढ़ी लिखी समझदार खूब बड़ी विदुषी विद्वान हो बे रहियो घर है, और अपनी नई नई बहुओं को भेजना मोटिवेशन कर करके कक्षा में जाओ सुनो प्रशिक्षण लो 20 दिन, वैसे भी तुम्हें पई पाए ने चूल को निमंत्रण है बिल्कुल अपनी बहुओं को फ्री कर दो, भेज जाओ प्रशिक्षण लो, क्यों एक प्रशिक्षित बहू पाठशाला अपने बच्चों को धर्म पढ़ा सकती है, भाग समझा सकती है, वेद विज्ञान करा सकती है, बातों बातों में तत्व ज्ञान सिखा सकती है, कथाएँ सुना सकती है, आपका पूरा का पूरा घर बदल जाएगा और उसका फायदा मिलेगा आपको अंतिम समय में समाधि मरण में। इसलिए ये बिल्कुल ये समझो दी बेस्ट गोल्डन पीरियड है, मंदिर मंदिर में स्वाध्याय सील बढ़ाने वालों के लिए, आत्मार्थी को लोगों को जोड़ने के लिए, नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए ये सुंदरतम अवसर है। आपको जो दिखाई दे, मन मुटाव नहीं रखना, द्वेष भाव नहीं रखना, सबको हाथ जोड़ जोड़ के कहो भैया मंदिर में पधारो, आना नहीं आना उनकी मर्जी, लेकिन अपन तो सबको पहुंचो। मैंने विदिशा में एक भी मित्र पक्ष का घर नहीं छोड़ा,
मैं सबके घर जाके निमंत्रण दे दे के आया, सबके घर, जिनके घर में साधु बने, ब्रह्मचारी बने, आरिकाएं बनी, उनके घर में भी गया मैं, सबको निमंत्रण दे के आया। और विदिशा का शिविर इतना सफल हुआ, रिकॉर्ड तोड़, आज तक इतनी बड़ी संख्या में प्रशिक्षण लेने वाले नहीं आए, 650 के लगभग संख्या थी और 550 लोगों ने परीक्षा दी थी, अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो आप भी ये पीछे नहीं रहना, समझ गए। अब एक अंतिम बात और, टाइम तो हो ही गया, कोई बात नहीं, कह दूँ कि नहीं कहूँ, बहुत बढ़िया बात है। देखो भैया, जिन्हें सबसे कम रुचि हो वे कछु काम मत करियो और सुनियो, जिसे सबसे कम रुचि हो, लेकिन एक काम मत करना, बेफिजूल की आलोचना, बेफिजूल की आलोचना, समझ गए। एक तो पैसा मिटा दो, इतनी लाइट लगा दई, काहू लगा दई, अरे लग तो जान दे, मोड़ा मोड़ी भाई देख के तो आएंगे, फिर इसी को देखते ना, कहे वो बाटर कहा है तुम्हारा, आजकल कहा चल रहा है, मेला चल रहा है, कहा चल रहा है, कोई है ना मेला, मेला खूब आवाज आ रही वहां से, वे कितनी लाइट खर्च कर रहे, झूला लगा भी मैं, और जाने कहे गए पानी वाटर पार्क को कहे कहे में, अरे अपने बच्चे नीचे को देख के आएंगे, खूब उल्लास से भेजो उनको। एक बहुत बढ़िया दृष्टांत सुना था हमने अनिल जी भेंट से, अनिल शास्त्री भेंट, बहुत प्यारा दृष्टांत दे रहे थे। रात को ब्राह्मण लोग सो रहे थे, पंडित लोग, गुरु भी सो रहे थे, शिष्य भी सो रहे थे। तो शिष्य रात को सपने में ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था। तो गुरु जग गए, उन्हें कहा रे क्या कर रहा, तो वो कह रहा हूँ हमने सपने में जब देखो कि पंगत चल रही है और खूब सामान परसों जा रहा है, लड्डू वगैरह, और हमने गलती से लाल मिर्ची खा ली, से वहाँ मुँह भर गया, समझ गए। तो उनने कहा, उनके गुरुजी ने कहा, ढोर तू कैसा ब्राह्मण है, सपने में भी खाई तो तूने मिर्ची खाई, लड्डू खाता। दृष्टांत समझ में आया, लड्डू खाने का दृष्टांत समझ में आया नहीं आया। अरे हींग लगे ना फिट करी, अनुमोदना करे जा, बढ़िया से लग रहा, इतने बच्चा सोचा रहा, इतनी बंग में सोचा रहा, अरे भैया, अरे भैया पांच पैसा दियो मत और फ्री में अनुमोदना करके लड्डू खाओ, और नहीं तो देखो तो क्या कर रहे, धर्म 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 धर्म, आत्मा फात्मा मर गए, ये भाई ये तो तुम फ्री में मिर्ची काय खा रहे, मत करो कछु, सुन लो शांति से, समझ गए नहीं, आलोचना की मिर्ची मत खाना, पाप बंद नहीं करना। अरे बड़े भाग्य से क्या करें भैया, समोसरण रहा नहीं, आचार्य कुनकुन स्वामी आदि रहे नहीं, हमारे स्वामी जी हमारे पास आज है नहीं, और डॉक्टर साहब जैसी इतनी एक चैनल चली आई थी, युगल जी बाबूजी थे, लालू भाई जी थे, जाने कितने विद्वानों का जमघट था, आज हम रीते हो गए, लेकिन हमारा शिविर रीता नहीं रहेगा, ये 18,500 वर्ष तक चलता रहेगा, ये तत्व ज्ञान की गंगा चलती रहेगी। हमारे ये बच्चे पढ़ के तैयार हो रहे शास्त्री, बेटे कल हम नहीं रहेंगे, गा के दिखा ना वो लाइन कौन सी है, हम रहे ना रहे क्या चलता रहेगा, गा के सुनाओ, गा के गा, बढ़िया गाना है, बढ़िया सुनाओ, चालू कर बेटे इनका माइक। हाँ, हम रहे ना रहे जिन्हें धर्म रहना चाहिए, सारे जग जग ढूंढ रहा है मृग रग कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को, इस दुसम भीषम काल में जिन देव का जब हो रह रहे तब कार्य करते सासा ही आधार हो, तुम सा दाना क्या कोई हो, जग जग दे दे जग की निधियां, वो निधियां हम सब को मिल गई है, ए वितरागी तक तो ज्ञान हम सब को भा गया है और अपने जीवन में आ गया है, और इसका महाकुंभ कल से प्रारंभ हो रहा है, ए 55वां वितराग विज्ञान।